नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नागदा में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के नाम पर खाते से रुपए उड़ाए युवती ने दिया ओटीपी तो खाते से गायब कर दिए 15,000 रुपये। ऐसी ही एक शिकायत लेकर मंडी थाने पहुंची युवती, जिसमें युवती ने शिकायत की साइंस कंपनी में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए उसके मोबाइल पर आया ओटीपी मांगा। जो युवती ने ओटीपी दिया तो 29 जनवरी को उसके खाते से 3 बार में 15,000 रुपये निकाले गए। जब युवती ने कंपनी को राशि वापस करने को कहा तो राशि वापस भी नहीं की। इस पर युवती ने मंडी थाने में शिकायत की, जिससे साइबर क्राइम को भेजा गया। वहीं थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने अपील की कि बैंक से कोई ओटीपी नहीं मांगा जाता, कृपया सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से किसी को ओटीपी ना दें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। जैसे कि फ्रॉड करने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल पे झांसा देते हैं, जैसे कि बिजनेस के नाम पे झांसा देंगे, आपसे ओटीपी किसी न किसी तरीके से ओटीपी ले लेते हैं, या किसी लिंक पे क्लिक करवा के कि आप लिंक पे क्लिक करें आपको बिजनेस से आप रजिस्ट्रेशन से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ATM कंपनी वाले के नाम से फर्जी झांसा देते हैं, KYC के नाम पे कि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या आपका खाता बंद ब्लॉक हो जाएगा, इस प्रकार से वो झांसा देके कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपसे OTP प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी से विशेष आम जनता से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से किसी भी सेकंड व्यक्ति को OTP प्रदान ना करें, ना किसी अनावश्यक जो लिंक आती है कि लिंक पे क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या लिंक पे क्लिक करें तो आपको फलाना समाचार दिख जाएगा। इस प्रकार से अनावश्यक किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अन्यथा आपका पूरा डाटा, मोबाइल का डाटा वो लोग हैक कर लेते हैं और उसमें फिर फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के आम जनता से यही अपील है कि किसी भी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कभी भी OTP नहीं मांगा जाता है। जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति थे, वो अपराधी रहते हैं, वो आपको बैंक के अधिकारी के नाम से या किसी बिजनेस के नाम पे, KYC के नाम पे, COVID-19 के रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ऑनलाइन एम्प्लॉय नौकरी देने के नाम से आपको किसी प्रकार से झांसा दें। आप OTP ना दें और ना ही किसी अनावश्यक लिंक पे क्लिक करें, अन्यथा आपके साथ भी धोखा हो सकता है।